शनिवार सुबह विधायक जसबीर देसवाल ने हरिगढ़ गांव का दौरा किया। सरपंच जितेंद्र, हाट गांव सरपंच विजेंद्र व गांव के अन्य मौजूद लोगों ने विधायक देसवाल का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। विधायक जसबीर देसवाल ने करीब 1.25 करोड़ रुपए लागत से तैयार विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें गांव की कई पक्की गलियां व बाल्मीकि चौपाल भी शामिल है। विधायक जसबीर देसवाल गांव की साफ सफाई देख काफी प्रभावित हुए और इसके लिए सरपंच जितेंद्र की पीठ भी थपथपाई। विधायक देसवाल ने गांव में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और लोगों की समस्याओं को भी सुना। सरपंच जितेंद्र ने विधायक के समक्ष गांव की अन्य मांगों की सूची सौंपी, जिसे विधायक जसबीर देसवाल ने पूरा करने का आश्वासन भी दिया। विधायक जसबीर देसवाल ने कहा कि गांव के विकास में धन की कमी नहीं होने देंगे। मिलने के लिए और जो काम हुए हैं उनके पत्थर रखने के लिए और आगे जो काम बाकी हैं उनका अवलोकन करने के लिए, उनकी व्यवस्था देखने के लिए, उनका आगे पैसे का इंतजाम के लिए मैं आज गांव में पूरी टीम को लेकर हम आए हैं। पहले तो मैं गांव में बढ़िया तो मैंने ये सफाई जो आज लागी नहीं या कोई विशेष लागी पर पता नहीं तो मेरे आन करके कर रखी है या रोजे करे हैं, रोजे हुए हैं। फिर तो बहुत बढ़िया, मेरा बड़ा खुश होया मैं देख के। इतनी सफाई गांव में शुरू होगी तो मुखा भाई गांव तो साफ सुथरा चमक गया। गांव में गलियों की बात है, गांव में सड़कों की बात है, ये तो आप करने लग रहे हैं। आप लोगों ने मेरे को मौका दिया है काम करने का। अब विधायक का हो सारे मिलकर, पहले तो भाई हूं थारा और बुजुर्ग का बेटा हूं। विधायक तो ही बना हूं 3 साल तक, संबंध तो बहुत पुराने हैं, कई पीढ़ियां हैं, आज कोई नई बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ जब भी हम आते हैं तो आप हमारा बहुत मान सम्मान, भाई का अपने भाई का, ये बुजुर्ग अपने बालका का बहुत मान सम्मान करते हैं। आज सरपंच साहब की तरफ से मांग पत्र भी आया है। मेन जो आपकी फिरनी बाकी रह रही है वो एक दिन देख के भी गया था मैं, और जोड़ की चार दुआरी भी बाकी, तालाब के लिए पाइपलाइन की भी जरूरत है।